नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया और आप देख रहे हैं बाइटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में आज मंडी डाउन हुई है, जबकि देश भर में और कहीं भी आलू की मंडियां डाउन नहीं हुई हैं। सब जगह ज्यादातर तो आलू के रेट बढ़े हैं, या तो मतलब सेम रहे हैं, नहीं तो बढ़े हैं। लेकिन फर्रुखाबाद की मंडी आज जो है कम से कम 50 रुपए जो है डाउन रही है, क्योंकि यहाँ पे आमदनी आज कुछ ज्यादा रही है। आमदनी यहाँ पे रही है आज 50 से 60 मीटर के आसपास। तो हो सकता है ये आमदनी बढ़ने की वजह से फर्रुखाबाद की मंडी डाउन रही है, जबकि दूसरी किसी भी जगह की मंडी डाउन नहीं रही है। हर जगह 10-20-50 रुपए रेट बढ़े हैं या तो सेम रहे हैं। तो और फर्रुखाबाद में आमदनी बढ़ने का रीजन ये भी है, क्योंकि फर्रुखाबाद के आसपास की जो छोटी मोटी मंडियां हैं वो बहुत लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई है, तो इसलिए वहां का भी आलू जो है वो फर्रुखाबाद आने लगा है, इसलिए फर्रुखाबाद में आमदनी बढ़ गई है। तो फर्रुखाबाद में आज आमदनी रही है आपकी 50 से 60 गाड़ी के आसपास, और जो भाव रहे हैं वो आज ख्याति आलू के आमतौर बिका है जो वो 800 से 850 रुपया बिका है, और बहुत बढ़िया आलू जो है वो आज 900 रुपए भी बिके हैं एक आध, और निवल आलू आज 750 रुपए भी बिके हैं। जबकि ये बहुत दिनों के बाद भाव आया है 750 वाला। वैसे मतलब 850, 900 और 800 के ऊपर ही बिक रहा था, लेकिन आज 800 के भीतर चला गया, क्योंकि आमदनी आज थी ज्यादा। और 3797 आपका बिका है 900 रुपए से लेके 1000 रुपया कुंतल, और हाईलैंड बिका है आपका 1000 रुपए से लेके 1100 रुपए कुंतल। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आज आमदनी रही है जो है 20 से 22 मीटर के आसपास, और ख्याति आलू का भाव रहा है आपका 350 से लेके 400 रुपया मन, और 3797 बिका है आपका 375 से लेके 415 रुपया मन, और सिंदूरी और हाईलैंड आपका बिका है 450 रुपए से लेके 405 रुपया मन। और कानपुर में आलू मन से बिकता है, मन यहाँ पे जो है वो 40 किलो का होता है। आज उन्नाव से अपडेट मिली है, तो उन्नाव में जो भाव रहा है सफेद आलू का वो रहा है 900 रुपए से लेके 1100 रुपए कुंतल, और यहीं पे प्याज का जो भाव मिला जुला भाव जो रहा है वो 1400 से लेके 1800 रुपया कुंतल। बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में भी आज भाव बढ़ा ही हुआ लग रहा है मुझे। 800 से 900 रुपया बिका है आपका गोला आलू का, तो रेट वही है 800 से लेके 900 रुपया कुंतल, और G4 आपका रहा है 1100 से लेके 1200 रुपया कुंतल। और प्याज की अपडेट जो है वो 1500 से लेके 1850 रुपया कुंतल रही है। और वहीं पे बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आमदनी आज बताई गई है 1200 से 1300 गाड़ी के आसपास, और यहाँ पे आलू जो है मोस्टली DCM में जाता है, तो मतलब एक गाड़ी का मतलब यहाँ पे आपका हो गया 200 पैकेट के आसपास, तो 12×26 मतलब 2500-3000 पैकेट के आसपास यहाँ पे आमदनी रही है। और चिप्सोना आलू ही यहाँ पे ज्यादा आता है, और वो बिका है आपका 1100 से लेके 1200 रुपया कुंतल, और बिक्री जो है सिर्फ बताई गई यहाँ पे। आज बाराबंकी से भाव नहीं मिला है। बात करें आगरा की, तो आगरा में भी आज आलू ग्रेड बढ़े हुए हैं। आगरा में आज आपका छट्टा बिका है आपका 3797 का छट्टा जो है वो बिका है 550 रुपए से लेके 601 रुपया पैकेट, और गुल्ला बिका है आपका 400 से लेके 450 रुपया पैकेट, और 302 हाइब्रिड आलू जो है वो आपका बिका है 500 से लेके 560 रुपया पैकेट, और पैकेट का वजन मिलता है यहाँ पे 52 किलो 300 ग्राम। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आज आलू के भाव बढ़े हैं। यहाँ पे आज आलू बिका है आपका 500 से लेके 600 रुपया पैकेट, तो हाइब्रिड आलू आज बिका है आपका 500 से लेके 550 रुपया पैकेट, और जो चिप्सोना 3797 है वो बिके आपके 550 से लेके 600 रुपए पैकेट के आसपास। जयपुर में भी आज मंडी बढ़ी हुई है, तो जयपुर में सफेद आलू आपका बिका है 900 रुपए से लेके 1200 रुपया कुंतल। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ही लॉकडाउन के आसार दिख रहे हैं, वैसे वैसे ही आलू के भाव में इजाफा आ रहा है और आ भी सकता है। अगर लॉकडाउन के आसार बढ़े तो आलू के रेट भी जो है इंक्रीज हो सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड से जो भाव मिला है, उत्तराखंड हल्द्वानी से, तो यहाँ पे सफेद आलू आज बिका है आपका 900 से लेके 950 रुपया कुंतल, और वहीं पे पंजाब वाला नया आलू जो है वो बिका है 1000 रुपए से लेके 1050 रुपया कुंतल। यहाँ पे भी कम से कम 50 रुपए रेट बढ़े हुए हैं।
आज गुजरात अहमदाबाद से भाव नहीं मिल पाया है यहाँ पे, और सीधे बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में आपका 37-97 मीडियम आलू वो बिका है आपका 1100 से लेके 1200 रुपया क्विंटल, और सुपर आलू जो है यहाँ पे बिका है आपका 1300 से लेके 1400 रुपया क्विंटल, और आमदनी बताई गई है 25 से 30 मोटर के आसपास। बात करें पुणे की, तो पुणे में 37-97 आपका वही बिका है 1200 से लेके 1400 रुपया क्विंटल, वैसे आमतौर पर लिखा बिका है 1200 से 1300 रुपया क्विंटल, और कुछ एक आलू जो है वो बिके हैं 1400 रुपये क्विंटल तक बिके हैं। बेंगलोर में सेम भाव रहा है, बेंगलोर में आपका 1200 से लेके 1400 रुपया क्विंटल ही रहा है, और चेन्नई में भी आपका वही 1500 से लेके 1600 रुपया क्विंटल रहा है सफेद आलू का भाव। और बात करें बिहार की, तो बिहार समस्तीपुर में यहाँ पे रेट बढ़े हैं, यहाँ पे 40 का बिका है आपका 1100 से लेके 1200 रुपया क्विंटल 40 बिका है। और बात करें गुलाबबाग की, तो यहाँ पे सफेद आलू बिका है आपका 950 रुपये से लेके 1050 रुपया क्विंटल, और हाईलैंड बिका है आपका 1150 रुपये से लेके 1200 रुपया क्विंटल। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में भी आज आलू के भाव बढ़े हुए हैं, तो सिंगूर में आपका बिका है 600 से लेके 610 रुपया पैकेट, जो कि एक दिन पहले मतलब परसों भाव दिया था तब थे 550 रुपये से लेके 580 रुपया पैकेट थे, लेकिन आज यही भाव है 600 से लेके 610 रुपया पैकेट। खिरपई पश्चिम मिदनापुर, यहाँ पे गड्ड आलू ज्यादातर भाव मिलता है यहाँ पे गड्ड आलू का, तो पहले थे भाव यहाँ पे 485 रुपए से लेके 495 रुपए परसों के भाव हैं, कल तो भाव दिया नहीं था, और आज बिका है 500 से लेके 505 रुपया पैकेट यहाँ पे, ये ज्योति आलू के भाव हैं। और वहीं पे वर्धमान में था आपका 500 से लेके कुछ 550 रुपए के आसपास, और आज बिका है यहाँ पे 570 रुपए से लेके 590 रुपया पैकेट। और वेस्ट बंगाल में ये जो है बिल्टी कट आलू के रेट हैं, मतलब खर्चे वगैरह इसमें इंक्लूड हैं, तो आज सभी जगह पे मतलब आलू के रेट बढ़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताई थी। उत्तराखंड में भी कम से कम 50 रुपये रेट बढ़े हैं, आपके बिहार में भी कम से कम 50 रुपये रेट बढ़े हैं, तो गुजरात से भाव अहमदाबाद से मिला नहीं है, मुंबई और पुणे साउथ में लगभग भाव हो ही रहे हैं, मुंबई पुणे और बेंगलोर और चेन्नई यहाँ पे लगभग वही भाव रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आलू के भाव बढ़े हैं, और जयपुर में भी आपके आलू के भाव कम से कम 50-100 रुपए बढ़े हुए हैं, दिल्ली में भी कम से कम 50-100 रुपए भाव बढ़े हुए हैं, और आगरा में भी 50 रुपए भाव बढ़े हुए हैं, और बाराबंकी से आज भाव मिला नहीं था। लखनऊ का वही भाव रहा है 1100 से 1200 रुपया, लेकिन यहाँ पे बिक्री भी स्लो बताई गई, यहाँ पे भाव बढ़ा नहीं है। अलाहाबाद में जो है वो G4 का भाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ है खाली, और बाकी गोला आलू का सेम है। उन्नाव से तो आज पहली बार भाव मिला है, और कानपुर का भाव लगभग मोटा मोटी सेम है, लेकिन अगर गिरा है भाव आज तो सिर्फ फरुखाबाद मंडी का भाव गिरा है, बाकी दूसरी किसी भी जगह की मंडी का भाव नहीं गिरा है, सिर्फ फरुखाबाद की मंडी का आज भाव गिरा है। तो ये थी अपडेट जो मुझे मिली थी अभी तक, और बाकी आप लोग कमेंट में अपने आगे मंडियों का भाव बताते रहिए, अगर बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोग भी आपकी मंडी का भाव जान पाएंगे, तो उनको जो अपडेट हम नहीं दे पाए वो भी उनको अपडेट मिल सकती है, तो इसलिए प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मंडी का भाव अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी मंडी में क्या भाव आलू बिक रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आलू की खबर से आज आप हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वाईटी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर वाईटी मीडिया पेज को लाइक कर लें, या वाईटी मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको ये खबरें मिलती रहेंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।